इंडस्ट्री में क्षितिज भाग दो काव्यखंड का पाठ चार आत्मकथ्य। इसके आज हम पढ़ेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कामायनी है, हमने आपको जब ये पढ़ा रहे थे पाठ तब भी बताया था बच्चों की कामायनी एक महाकाव्य है जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य जो अभी पढ़ा हमने इसके भी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है इसका कि कामायनी है महाकाव्य। फिर है दूसरा प्रश्न कि आत्मकथ्य के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या निराला। तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य के रचयिता है। तीसरा है कि कवि अपनी आत्मकथा को कैसे बता रहे हैं। कवि अपनी आत्मकथा को कैसे बता रहे हैं। तो कवि अपनी आत्मकथा को बोली बता रहे हैं। कवि अपनी आत्मकथा को बोली बता रहे। प्रश्न है कि थके पथिक की पंथा में कौन सा अलंकार है। यह श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो थके पथिक की पंथा में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रश्न की कवि अपनी प्रेसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे करते हैं। कवि अपनी प्रेसी के कपोलों की तुलना किससे करते हैं। तो कविता में पढ़ा था अरुण लालिमा। उत्तर है उषाकाल की अरुणिमा या उषाकाल की लालिमा से। फिर प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की झलक मिलती है। ऑप्शन है प्रेम सौंदर्य, राष्ट्रीयता का भाव, भक्ति भाव या अलंकार भाव। उत्तर है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में झलक मिलती है प्रेम और सौंदर्य। फिर है प्रश्न कि छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं नागार्जुन, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर है जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। फिर आगे का प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर पारितोषिक मिला है। क्यों मिला, कौन सा मिला जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर, कौन सा पारितोषिक मिला है। उत्तर है ऑप्शन है ज्ञानपीठ, पहल, पद्मभूषण या मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। फिर आगे का प्रश्न कि आत्मकथ्य कविता में अभिव्यक्ति हुई है। काहे की ऑप्शन है आदर्शोन्मुख या जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक कथा। फिर है कल्पनाशीलता या अलंकार की पुष्टि। तो आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की उस अभिव्यक्ति हुई है। फिर प्रश्न कि आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके संग्रह हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके संग्रह हैं। कौन से संग्रह हैं? ये सब कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी के। कहानी संग्रह है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब हम आगे देखें।
रामायणी क्या है? एक महाकाव्य है। तो ये हो गया सही, कामायनी महाकाव्य। फिर ये दूसरा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या है? एक छायावाद के प्रमुख कवि है, अभी पढ़ा हमने। फिर है तीसरा क्यों मेरी कंठा की। क्यों मेरी कंठा की, यह इसमें इन पंक्तियों में है अनुप्रास अलंकार। फिर है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका है प्रेमचंद जी की रचना। फिर थकी सोई सी मेरी मौ व्यथा, यह है आखिरी। थकी सोई सी क्या है? मेरी मौ व्यथा। अब हम आगे इसीलिए देखेंगे प्रश्न उत्तरों में, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कवि अपना पाथे किसे मानते हैं? पाथे हमने बताया था कि जो रास्ते के लिए कुछ नाश्ता या भोजन रखते हैं उसको पाथे कहते हैं। और इस कविता में कवि अपना पाथे अपनी मधुर स्मृतियों को मानते हैं कि जिनके सहारे वह अपने आगे की जो अभावग्रस्त उनका जीवन है उसको वह आसानी से जी सके। तो मधुर स्मृतियों को कभी अपना पाथे मानते हैं। फिर प्रश्न दूसरा कि कवि के अनुसार कौन कक्कर सोई है? तो कवि के अनुसार थककर सो गई है कवि की मौन व्यथा। जो कवि की मौन व्यथा है वो क्या हो गई? थककर सो गई है। फिर कवि अपनी किन गाथाओं को नहीं गाना चाहता? तो कवि अपनी उज्जवल गाथाओं को नहीं गाना चाहता क्योंकि उनके जीवन में सुख का और अच्छा समय बहुत कम था, इसलिए वह उनको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता। फिर है आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है? तो आत्मकथ्य कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की। फिर ये प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद किस काव्य प्रवृत्ति के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य प्रवृत्ति के कवि हैं। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। कुछ काव्य बोध पर प्रश्न उत्तर भी है। तो कवि प्रसाद ने आत्मकथ्य कविता की रचना क्यों की है? उत्तर है कि प्रसाद जी के मित्रों ने हंस पत्रिका में छापने के लिए उनसे अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, परंतु प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे और इस पर असहमति से हुई रचना आत्मकथ्य कविता। फिर है कि कवि ने अपनी सरलता को उपहास के योग्य क्यों माना है? कवि कहते हैं कि जो लोग मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरे जीवन के बारे में जिनको सब कुछ ज्ञात है, वे मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और कवि का मानना है कि जब मेरी आत्मकथा लिखी जाएगी तो जो लोग अभी सरलता मेरी सरलता पर जो लोग विश्वास नहीं करेंगे और उसका उपहास भी करेंगे, इस प्रकार वह अपनी सरलता को मजाक
सुनाने के योग्य आत्मकथ्य के आधार पर प्रसाद जी की ईमानदारी और साहस की झलक मिलती है। स्पष्ट कीजिए। तो आमतौर पर व्यक्ति अपनी कमियों दुर्बलताओं के कारण क्या होता है, वह अपने इन सब चीजों को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। जो भी कमियां हैं, अभाव है, उनको व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। परंतु प्रसाद जी ने तो सबके सामने यह उजागर भी किया है, वे साहसी हैं, उनमें ईमानदारी भी है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन कोई बड़ा या महान जीवन नहीं है और मेरे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। यह उनकी सादगी और ईमानदारी को रक्षा है। वे यदि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? उत्तर की कवि जानते हैं कि जिन्होंने पूर्व में अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, उनकी खूब आलोचना हुई है। वह नहीं चाहते कि उनका भी उपहास या मजाक हो, बल्कि उसने आत्मकथा कविता लिखकर उन लोगों की भी आलोचना कर दी है जो कवि से उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कवि से आग्रह कर रहे थे। अब मैं आगे प्रश्न काव्यांश को समझकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मधुक गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी मुरझाकर गिर रही पलकिया, देखो कि तुम्हें आज की इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो मधुक गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, उसमें प्रश्न है कि मधु गुनगुनाकर किसकी कहानी कह रहा है। उत्तर है कि मधु गुनगुनाकर कवि के जीवन की कहानी कह रहा है। और मुरझाकर कौन सी पत्तियां गिर रही हैं? तो वे की पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं जो कल तक घनी छाया दे रही थी, परंतु वह आज मुरझा गई है और मुरझाकर